हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास प्रदान। नेहरू युवा केंद्र एवं विधिक सेवा तालुका समिति के संयुक्त तत्वावधान में निकटवर्ती जुंजाणी गांव में जागरूकता कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धुकाराम राजपुरोहित प्रधान भीनमाल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्भय चौधरी इफको अधिकारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रमियाराम भीलने की, मुख्य वक्ता के रूप में वसीम खान एजुकेट BIO भीनमाल, गोपालराम मेघवाल कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजर, अशोक दवे विधिक जानकर, बनवारी लाल वर्मा प्रधानाचार्य, जितेंद्र सिंह मंडलावत एडवोकेट और कई एडवोकेट मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर किया गया। एडवोकेट दीपक ने स्वच्छता अभियान, बालिका शिक्षा, बाल विवाह और सूचना का अधिकारी कानून की जानकारी भी दी। जितेंद्र मंडलावत ने बाल विवाह, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम को लेकर कानूनी जानकारी देकर इन कुरीतियों को मिटाने के लिए संकल्प दिलाया। अशोक दवे ने कानूनी प्रक्रिया एवं अधिकारियों के बारे में बताया। कार्यक्रम का मंच संचालन भरत भाटी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ने किया। मंडल अध्यक्ष ओकाराम बोस ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एफको, नेहरू युवा केंद्र और विधिक सेवा समिति की तरफ से लगभग 150 पेड़ पौधे भी ग्रामवासियों को वितरित किए गए। भरत भाटी ने नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक प्रशिक्षण, वृक्षारोपण आदि की जानकारी देकर युवाओं को कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बात कही। रेवाराम सेन ने बताया कि भामाशाह की तरफ से सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सरपंच रामिया राम भील ने सभी का आभार व्यक्त किया। भीनमाल से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।